डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। ट्वीट कर केशव मौर्य ने कहा कि 5 चरणों के चुनाव में जनता ने सपा बसपा कांग्रेस को नकारते हुए कमल पर एक बार फिर से पुनः विश्वास जताया है। फिर एक बार 300 पार हुए। 10 मार्च को 11 बजे तक सपा बसपा कांग्रेस की बोलती बंद हो जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि हमने जो कहा था वो करके दिखाया है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, क्या ये काम सपा बसपा और कांग्रेस वाले करवा पाते? ये 500 वर्षों से मामला अटका हुआ था। आज गरीबों को राशन मिल रहा है, पेंशन, मकान, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के पिपराइच में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि यूपी में बुलडोजर और विकास दोनों साथ साथ चलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वेल, इस पर अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।